हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में अंतरिक्ष से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसरो के संस्थापक कौन है? सही आंसर है विक्रम साराभाई। आगे बढ़ने से पहले अगर आप उमंग जीएस कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इसरो का पूरा नाम क्या है? सही आंसर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब है बेंगलुरु कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, इसरो का स्थापना कब किया गया था? सही जवाब है 15 अगस्त 1969। अगला सवाल है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सही जवाब है तिरुवनंतपुरम केरल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? सही जवाब विक्रम साराभाई है। आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था? इसका आंसर है 19 अप्रैल 1975। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? सही जवाब है अप्सरा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली परमाणु युक्ति को दिया गया उपनाम था स्माइलिंग बुद्धा। अगला क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर का नया नाम क्या है? इसका आंसर है सतीश धवन स्पेस सेंटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो आंसर है कल्पना फर्स्ट। अगला सवाल है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? इसका आंसर है एप्पल। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा में उतरने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो सही जवाब अमेरिका है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्रांबे मुंबई में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कलपक्कम तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? सही जवाब राकेश शर्मा है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सही जवाब कल्पना चावला है। अगला क्वेश्चन, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब है 1972। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? सही जवाब नील आर्मस्ट्रांग। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? सही जवाब है वेलेंटिना तेरेश्कोवा। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? सही जवाब यूरी गागरिन थे। मंगलयान का प्रक्षेपण किस केंद्र से हुई थी? इसका आंसर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगला क्वेश्चन है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका जवाब है एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? सही जवाब आर्यभट्ट है।